अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आवाज रहें। जी तो कैसी चल रही हैं सबकी सबकी ईद की तैयारियां? मेरी तरफ से एडवांस में आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। खुश रहें, और ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। जी तो ये मैंने अपने लिए ली हैं 2 अदद बैंगल्स, कड़े हैं ये, जो कि गोल्ड प्लेटेड है। पहने भी पता नहीं चलेगा, फील नहीं होगा कि ये गोल्ड की है या आर्टिफिशियल है। आप इसे किसी पार्टी में, किसी की शादी में पहन सकते हैं। आजकल गोल्ड बाहर पहन के निकलना वैसे ही बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह मैंने अपने लिए ये छोटा सा सेट लिया है। ये देखें, मैंने कहा पैसे लगाने ही हैं ईद पे ज्वेलरी के, तो वो लगाऊँ जो काम भी आए। इस तरह पैसे लगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। उल्ट पुलान किस्म की चीज़ें ले आती है, और जब किसी की कोई फंक्शन आता, कोई पार्टी आती, तो फिर इंसान आर्टिफिशियल निकाल के भी पहन लेता है, तो पहना हुआ अच्छा लगे। क्योंकि उसने मुझे 100% गारंटी दी है कि चेन ख़राब नहीं होगी। वैसे भी लिबर्टी की जिस शॉप से मैं ज्वेलरी ले रही हूँ, इससे ज्वेलरी लेते हुए मुझे 20-22 साल हो गए। इसकी ज्वेलरी कभी भी ख़राब नहीं हुई। मेरे पास 10-10 साल पुरानी रिंग्स पड़ी हुई है, जो मैं अभी भी पहनती हूँ, और जो वक्त के साथ साथ महंगी हो गई है। सारी बात जहाँ गोल्ड का रेट बढ़ा है, वहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने भी कमाल किया है। ये इसके स्टॉपर हैं, टॉप पर ने स्टाइल बना हुआ है, लॉकेट है, चेन भी है। मैंने इसके साथ में चेन नहीं थी, वहीं से ली है, और रिंग है। ये सेट मैंने लिए हैं अपने ईद के ड्रेस के साथ पहनने के लिए, और ये 2 अदर कड़े लिए हैं, और इसके साथ ये है मेरा ईद का जूता। ये देखें, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई की, मैंने बहुत सारे जूते ट्राई किए थे। ये था तो मेट्रो का पिछली ईद का आर्टिकल, लेकिन मुझे पसंद आया, मुझे पिछले साल भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, फिर मैंने यही ले लिया। जूतों में मुझे कोई ख़ास वैरायटी नहीं लगी थी। मैं पेंसिल हील पहनती हूँ या तो नहीं पहनती, इसलिए मैंने अपने लिए पेंसिल हील ली है। मुझे इसका स्टाइल, इसके स्टोन बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो फिर मैंने यही ले ली। मुझे कंफर्टेबल लगती है पेंसिल हील, अपनी अपनी पसंद होती है। अगर आपको मेरी ये ईद की तैयारियाँ पसंद आई हों, तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये है जी मेरी ईद की तैयारियाँ, ईद की शॉपिंग जो मैंने अपने ड्रेस के साथ ली है। ईद पे पहनने के लिए छोटी ईद और मीठी ईद की बात ही कुछ और होती है, ये तो आप जानते ही हैं। 30 दिन के रोज़ों के बाद जब ये ईद आती है, तो मज़ा आ जाता है। हाँ जी, तो अब ये बुंदे हैं, और ये गेस करें, ये मैंने डंडी झुमकी किसके लिए निकाली है? आप सोचिए जी, ये मेरी तरफ से ईद का गिफ्ट होगा, और मैं उसको भेजूंगी जो कमेंट में मुझे मेरे सूट का कलर बताएगा, क्योंकि मैंने आपके साथ अपना सूट शेयर नहीं किया। जो फर्स्ट कमेंट करेगा और उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, तो उसको मैं भेजूंगी ये झुमकियाँ। और सेकंड नंबर पर मैं ये हेयर पिन बनी हुई है, ये भी भेजूंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करनी है मेरी वीडियो को, और शेयर करना है इसको, और जुड़ना है मेरे चैनल के साथ। देखते रहिएगा मेरी वीडियो, लाइक भी करना है आपने। ये जी मेरी ईद की शॉपिंग और मेरी ईद की तैयारियाँ। अल्लाह हाफिज़।